आवाज हो जा सर, पहले से ही मैं ये कह रहा हूँ 5 मिलियन व्यूज के लिए थैंक यू। कैसे हो सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर भी। हमारे डेटा के अकॉर्डिंग भारत में आजकल जियोपॉलिटिकल कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, ना कि सिर्फ शहरों से, पूरे इंडिया के लोग अभी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट घटेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके, जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मरीन ड्राइव पे लड़ गई, हम दोनों झगड़ा करने लगे तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है, मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ, मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, तो मजा ले रहे हैं। और अगर हम दोनों नहीं लड़े, मतलब एक दूसरे को हमने घूसा नहीं मारा, तो पब्लिक बड़ी निराश हो। तो ये इंडियन साइकोलॉजी, अब जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है। इस दुनिया भारत में सिर्फ 1% लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वार्म वाटर पॉलिसी का परिणाम है, लेकिन देख सब रहे। क्यों? क्योंकि अरे भैया यूक्रेन वा, आज पुतिन वा कह रहा था कि न्यूक्लियर मार देंगे। हाँ हाँ। तो जो चार आदमी बैठे हुए हैं अंधेरी में चाय की दुकान पे, और पूना में यवले चाय वाले के पास बैठे हैं, और इलाहाबाद में पप्पू चाय वाले, इनको कोई वॉर से थोड़ी मतलब है। हाँ हाँ। तो वो जो इंडियन साइक है, वो जो मोहल्ले के झगड़े में मजा लेती थी, अब वो इंटरनेशनल में मजा ले, उसको बाहर में जाए, उसको कारण नहीं जानना। ऐसा थोड़ी कि इस देश का हर आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा, उसको मजा आ रहा। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम बदलने का पावर दिया जाए, तो आप 3 बदलाव हमारे साथ शेयर कीजिए। पहली बदलाव, एज लिमिट में लाऊंगा, 21 से 25 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा बदलाव मैं ये करूंगा कि मैं हिंदी को कंपलसरी करूंगा। लैंग्वेज पढ़नी ही चाहिए, लैंग्वेज जानना बुराई नहीं है, लैंग्वेज को थोपना बुराई है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बदलाहट मैं वहां करूंगा, वो ये करूंगा कि व्यक्ति को जब वो एग्जाम दे रहा है, इंटरव्यू तक जा रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश जरूर करे, कहीं प्रेफरेंस दे उन्हें कि ये भैया आईएएस का इंटरव्यू देकर आए हैं। क्योंकि आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ लड़का भी आईएएस से कम नहीं होता। अगला सवाल, अगर आपको देश का पीएम बनाया जाए, तो आप क्या करोगे? आपकी 4 प्रायोरिटीज क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं इस देश की एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा, जो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और योगा और ध्यान कंपलसरी, मतलब आप फेल कर गए तो आप कुछ कर, कंपल्स क्वालिफाइंग पेपर होंगे ये, पहली बात। एजुकेशन अप्लाइड होगी, पहला काम मैं एजुकेशन पे करूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा वुमन एम्पावरमेंट पे, स्पेसिफिकली जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो परिवार, वो समाज, वो देश कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। तीसरी बात, मैं कोशिश करूंगा हम एक हो जाएं, यूनिटी, भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड यूनिटी, ये होता है असली ब्रदरहुड। और चौथी बात, अशोक की जो धम्म की नीति थी, उसको मैं फिर से रीइंप्लीमेंट करूंगा। उसमें क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक डाइवर्सिटी का मुल्क है ना, कश्मीरी कल्चर, तमिलियन कल्चर, गुजराती कल्चर, असमी कल्चर, तो वो पहला आदमी था जिसको ये बात पकड़ में आई। जी, ये करूंगा। फेम से नतीजत एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ट्रॉलिंग। इतनी ट्रॉलिंग होती है। आपको क्या ट्रॉलिंग मिलती है? नहीं, जैसे मुझे ट्रॉल करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रॉल करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई क्लिपिंग है, मैंने कह दिया कि, जैसे अभी मैंने कहा कि मुगल काल में मैं जीना चाहूंगा, अब ये क्लिपिंग निकाल ली कि ये मौलाना अवध ओझा, ये हृदय से रणवीर इलाहाबाद या शो पे निकला हृदय का मर्म, ये मौलाना ये मौलानियत की झलक दिखाई पड़ी इस अवध ओझा के अंदर। तो वो बेचारे जो इनोसेंट से लोग हैं, अब तो खैर मैं आदी हो गया उस चीज का। मेहनत, फोकस और स्थिरता के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? मस्ती। गर्लफ्रेंड की लैप में भी अगर सर रखा है तो नेशनल इनकम चल रहा है, कोई तुम्हारे दिमाग में जाके थोड़ी देख रहा है। लोग क्या करते, गर्लफ्रेंड ही छोड़ देते। भैया हम भैया लड़की से बात नहीं करेंगे। अभी कहीं नहीं करोगे?
अरे भैया पापा ने मना किया है। मस्त रहो यार, हर चीज को तो तुमने खतरा बना लिया है, हर चीज से तुम डरे हुए हो, तो मस्ती में रहना है। अवध ओझा का सबसे मनपसंद खाना क्या है और क्यों? मेरा सबसे मनपसंद खाना है बाटी चोखा। और बाटी चोखा के लिए तो मैं पैदल 10-20 किलोमीटर चला जाऊं। मुंबई में इसकी बहुत कमी फील होती है। अच्छा, यहाँ अच्छे लिट्टी चोखा या बाटी चोखा मिलते थे तो मैं बोलता हूँ अपने किसी दोस्त को कि भैया तुम लॉन्च करो, मुंबई में बहुत स्कोप है वहाँ।